हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है माँ काली अघेरी नंदननी महिषासुर। तो देखते हैं वीडियो, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। ओहो Oh,
ये देखो बेस्ट वीडियो थी यार, बिल्कुल एक यार। ये जब भी सीन देखते हैं ना तब एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जैसे वही एक महिषासुर और रथवीज के साथ हुई थी ना, क्योंकि रथवीज के साथ तो एक अलहदा सीन हुआ था लेकिन जो महिषासुर के साथ हुआ था ना वो बहुत उनको एक बार धोया था कि इतने दिन युद्ध चला था, उन्होंने भी काफ़ी आगे से अपने आप को रोकने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बना था, हर तरफ से ना उनको मार खानी पड़ी थी। और रथवीज पर जब आते हैं तो तब भी देख लें एक बार, बाकी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इमेजिन करें कि वो एक मतलब कि वो राक्षस भी कितना महिषासुर होगा पावरफुल है, क्योंकि इतने दिन मतलब के दस दिन फाइट चलती रही है भाई, एक मतलब के एक फिर भी देखो वो कितना पावरफुल था। अभी तो एक हमने सीरीज में देखा था, कुछ उन्होंने शॉट दिखा दिया या मतलब कि, लेकिन आप सीरियसली उसकी एक पावर का एक अंदाज़ा लगाएं कि कितने वो 10 दिन कैसे एक अपने आप को वो मतलब भाई अब देखो ना, वो तो एक साइड के ऊपर जो रथपीज था उसको कौन सा मारना आसान काम था है? कि जैसे ही मतलब उसको कोई चीज लगती थी वो जैसे ही उसका रथ जमीन पे गिरता था तो साथ ही वो पैदा हो जाते थे, और तो वो भी एक बहुत बड़ा टफ, लेकिन वो जो एक फाइट हुई थी ना वो भी कमाल थी। दूसरी तरफ भाई महिषासुर का तो वो जो वध था ना वो बाकी, क्योंकि वो मतलब था ही ऐसा जिस तरह वो मतलब औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता था या उसका इस तरह का सीन था, लेकिन उसके साथ जो चला था ना वो मतलब हमें तो बाद में पता चला कि ये पूरे 10 दिन ये चलता रहा, लेकिन ये यार जब भी सीन देखे ना एक दफा रोंगटे खड़े हुए हैं, कोई शक जब भी सही बात सीन है, ऐसे है ना कि पार्वती जी के आई थी मतलब कि उनको भी उन्होंने मतलब के कुछ बुरे अल्फाज बोले थे, लेकिन जब अपना एक रूप एक रूम में आई थी ना मतलब के तब उसके भी एक दफा भाई ये रूप देख लो कितना खतरनाक होता था कि महादेव जी को भी पहचानना मुश्किल हो जाता था। याद है ना जब वो मतलब उन्होंने उधर हमला किया था उधर आश्रम के ऊपर नाउश पर तो उस वक्त आपने देखा नहीं था कि किस तरह मतलब एक सीन बन गया था, महादेव जी को एक बच्चा बांध के उनको रोकना पड़ा। बाकी बहुत वो बिल्कुल बाकी बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते आपको पसंद है, पसंद है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टेक।